कई सालों से रोज एक पेड़ लगा रहे हैं जाके जनता के बीच में, और वहां ये सुनिश्चित भी करवा रहे हैं कि वो वहां पे जो इस पेड़ की रक्षा भी हो सके। अब वो कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही अलग बात है। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था मंडरता किनारे वृक्षारोपण का, भगवान जाने 6 करोड़ पेड़ वहां लगे थे। अब वहां क्या हालत है आज कोई देखने जाने वाला नहीं है, वहां कोई अखबार वाला नहीं जाता, कोई मीडिया वाला नहीं जाता ये देखने के लिए कि वो पूरी पट्टी है उसमें वृक्षारोपण का क्या हुआ, कितने पौधे जिंदा हैं आज वहां पे। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम लिए जाएं। और देश भर में देखिए डिसिप्लिन, गुप्त जी डिसिप्लिन मैं मानता हूं कि 1 घंटे में आ सकता है अगर आपको डिसिप्लिन पूरे देश में कायम करना हो तो। बहुत हमारे यहाँ सुंदर कोई बात कही हमारे इससे। हमारे यहाँ औचक निरीक्षण होता ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार कोई गृह मंत्री को या में सहभागिता बढ़ जाए तो औचक निरीक्षण का औचित्य खत्म हो जाता है। अब हाँ भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार बन गया है बन गया और बड़े सिद्धांत बड़ों है। की सहभागिता है, तो आप जो है औचक निरीक्षण करके क्या उखाड़ लेंगे? वो आपको जो ना दो टूक जवाब देगा कि भाई साहब आपका हिस्सा, आप भी हिस्सा लेते हैं। हाँ तो भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार बन गया है और हमारी सोच जो है भाषण देने की है, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने के लिए जो नट एंड बोल्ट्स जो है बनाए गए हैं उनको करने की नहीं है। दिया चलिए, तो इसके साथ ही जो है हम लोग ये जी काम करते हैं, यदि आपको सहमति हो तो जी हम वीडियो बेस्ड जो है ना डिस्कशन का 10-10-15 मिनट का जो है एक एक टॉपिक बना के और उस पर चर्चा करना चालू करते हैं। भाई दिया अभी अपनी चर्चा 48 मिनट की हो गई है, मैं दिया कोशिश करूंगा कि इसे टॉपिक वाइज भी काट दूं जिससे दिया कि कम से कम कुछ लोग तो इसे सुने, दिया क्योंकि अच्छी बात सुनने के लिए लोगों के पास समय होता नहीं है। चलिए, जी तो एक बार फिर से अपील करते हैं कि जी बिल्कुल हम स्वार्थी बने अपने जी लिए और अपने बच्चों के लिए, अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त 21 लक्ष्यों सहित, चार बिल्कुल जो है मौलिक अधिकार के सहित, बिना जो है ना जुलूस निकाले, बिना जो है ना धरना दिए, बिना कुछ किए ये संभव है क्या? इस काम के लिए आप 9 दिन का साधारण सा संकल्प करेंगे, यदि करेंगे तो ये आगे तक जाएगा। अपराध दिया मुक्त भारत मिशन से जुड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत लिखें या मुंह से बोलें, आपको हमारी चैनल मिल जाएगी जिसमें 5,800 से भी अधिक वीडियो हैं जो आपको समझाएंगे कि कैसे अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पर अवतरित होगा। और इसके दिया लिए आपको ऐप से जुड़ना है और ऐसे 10 लोग जिनको आप समझते हैं कि ऊर्जावान हैं, जो कि आपके परिवार के सदस्य हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, आपके पड़ोसी हों, या जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनसे वो जुड़े रहे हैं, आपके साथी रहे हैं, ऐसे 10 ऊर्जावान लोगों को संकल्पित करके, शपथ करके जोड़ने के लिए उसी हर वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी वीडियो आपके पास पहुंच रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करिए और कम से कम 10 ऊर्जावान लोग जो अपने लिए स्वार्थी, क्योंकि हम तो कह रहे हैं निस्वार्थ नहीं चाहिए, हमारा स्वार्थ होगा अच्छा भारत पैदा करना अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, स्वार्थी बनिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और 9 दिन में यदि आप संकल्प और शपथ के साथ ये काम करेंगे तो मैं आश्वस्त करता हूं कि 10वें दिन आपकी संख्या 100 करोड़ होगी और आप माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहे वो 240 सीट के साथ ही जो है सत्ता में क्यों स्थापित ना हो, हम उनके हाथ मजबूत कर पाएंगे, उन्हें मजबूर कर पाएंगे, उन्हें सहमत कर पाएंगे और आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।